Good morning, students. I am Sonia Saini, your SS teacher, and today we will study our third chapter in civics in class 8. And the chapter name is Why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है? तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 से पहले हमने हमारे 2 चैप्टर्स डिस्कस किए हैं कंप्लीट. चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया सेक्युलरिज्म के बारे में, और चैप्टर 3 में हम डिस्कस करेंगे हमारी पार्लियामेंट के बारे में. तो जो चैप्टर का नेम है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है. पार्लियामेंट की ज़रूरत एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इसलिए होती है कि ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है. लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करती है? कि जो हमारे द्वारा इलेक्शन के थ्रू जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वही पार्लियामेंट में जाते हैं और हमारे बिहाफ पे इनडायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हैं, डिसीजन लेते हैं. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आज के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोग क्यों डिसाइड करेंगे कि किस तरह की पार्लियामेंट है, ये जो कैसे वर्क करेगी, कौन लेजिस्लेचर होंगे, कैसे कानून बनेंगे, कौन वोट देगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. इसमें हम देखेंगे कि जो पीपल हैं उनके कौन रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो कैसे चुने जाते हैं और वो पार्लियामेंट में क्या रोल प्ले करते हैं. रोल ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें हम देखेंगे कि पार्लियामेंट क्या होती है, इसमें मेनली कितने हाउसेज होते हैं और पार्लियामेंट के रोल को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट रोल रहेगा इसमें टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, इसको डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. फिर इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पार्लियामेंट का, वो है लॉ मेकिंग, कानून बनाने को, इसको डिस्कस करेंगे. और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, कि कौन लोग होते हैं जो पार्लियामेंट में होते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोग क्यों डिसाइड करेंगे कि जो पार्लियामेंट में है कौन रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वो कैसे चुने जाएंगे. तो ये जो आइडिया है हमारा, इसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री परस्पेक्टिव से. तो हिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं कि पहले हमारी कंट्री पे कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, और उनसे फ्रीडम पाने के लिए हमने बहुत सारे मूवमेंट्स किए, रिवोल्ट्स हुए. तो ऐसे ही एक था इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स थे. तो इनमें हमने क्या चीज़ देखी, जो ब्रिटिशर्स थे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, इंडियंस को बैडली ट्रीट कर रहे थे, ह्यूमिलिएट करते थे. तो इसी से हमारे पास क्या चीज़ सामने आई, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड इंस्पिरेशंस विद द आइडियाज़ सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. तो जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे उनसे हमारे पास कुछ आइडियाज़ आए. आइडिया आया फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. जो फ्रीडम का आइडिया था ये हमें कैसे मिला, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हमें दबा के रखते थे, हमें किसी भी काम को करने की कोई आज़ादी नहीं थी. इक्वालिटी, वो हम इंडियंस को बैडली ट्रीट करते थे, खुद के समान नहीं समझते थे, तो वहाँ से आइडिया ऑफ इक्वालिटी हमें मिला. अब जो नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ये आइडिया कैसे आया कि जो ब्रिटिशर ऑफिसर्स होते थे वो कोई भी कानून बना देते थे, किसी को भी स्टेट गवर्नर जनरल अपॉइंट कर देते थे बिना लोगों की राय लिए, बिना लोगों से पूछे. तो वहाँ पे आइडिया आया कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए अगर कोई भी कानून बनता है. तो ऐसे ही जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये कौन से ईयर में बनी थी, ये बनी थी 1885 में. तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिमांड रखी लेजिस्लेचर की, विधायक की जो कानून बनाते हैं वो होने चाहिए. लेकिन इन्होंने इसके साथ एक शर्त भी रखी थी कि जो ये लेजिस्लेचर होंगे ये इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, मींस लोग इन्हें इलेक्शन देके चुनेंगे कि कौन लोग होंगे जो कानून बनाएंगे. तो ये जो प्रोसेस थी ये काफ़ी लंबी रही. और ऐसे ही इन द ईयर 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, वहाँ पे इस तरह की जो इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेचर की परमिशन मिल गई हमें. लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस थी,
कि जो सारे एडल्ट्स थे उन्हें राइट नहीं दिए गए कि वो वोट देंगे, कुछ सिलेक्टेड पीपल होते थे सोसाइटी में, सिर्फ उन्हीं के पास राइट थे. लेकिन बट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वॉज नो डाउट लेफ्ट ऑन द इशूज ऑफ गिविंग वोटिंग टू ऑल. अब आज़ादी के बाद क्या था, ये सब चेंज हो गया था और जो वोटिंग का इश्यूज था ये भी चेंज हो गया. अब हमारी कंट्री में क्या सिस्टम है कि जिस व्यक्ति की एज 18 ईयर ओल्ड है या उससे ऊपर है, सभी को वोट देने का इक्वल राइट है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे उसका कोई भी सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस हो. तो ये जो वोटिंग राइट है, सभी को समान अधिकार है वोट देने के, ये हमने डिस्कस किया था हमारे चैप्टर 1 में और इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इसमें हम देखेंगे कि पीपल आर सुप्रीम इन ए डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेसी में लोग सुप्रीम होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि लोकतंत्र है तो ऑब्वियसली लोगों का राज होगा, लोग ही गवर्नमेंट बनाएंगे अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल इज इक्वल टू गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों की होगी, लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे. तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है या जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं उनको इंश्योर करना है कि लोग उन पर विश्वास करें. बट हाउ डज द इंडिविजुअल सिटीजन्स गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? अब क्वेश्चन ये है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, किसी भी कंट्री के सिटीजन हैं, वो गवर्नमेंट को अप्रूव कैसे देंगे कि भाई आपकी गवर्नमेंट बन सकती है? तो ये सब होता है इलेक्शन के थ्रू होता है. तो इसमें क्या होता है, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट. इलेक्शन होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसे लोग वोट देके जिताते हैं और वहाँ से वही मेंबर पार्लियामेंट में जाता है. वन ग्रुप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. और ऐसे ही जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट क्या होती है और पार्लियामेंट का क्या रोल है. पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर. तो जो पार्लियामेंट है हमारे कंट्री में, इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है और जो सबसे ज़्यादा पावर होती हैं वो इसी के पास होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. लोगों ने अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट में भेजा है, तो इसीलिए इनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है. अब हम देख लेते हैं एक बार, ये है हमारी पार्लियामेंट, संसद दिल्ली में है. अब ये जो नीचे पिक्चर दिखाई दे रही है नंबर 2 पे, ये राज्यसभा है, और नंबर 3 पे दिखाई दे रही है ये है लोकसभा. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन. मीन्स जो भी कानून बनते हैं हमारी कंट्री में वो पार्लियामेंट में बनते हैं और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है. इट हैज़ 2 हाउसेज, इसमें 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा. अब देखते हैं राज्यसभा. राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं. इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 245 और जो इसके हेड होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मीन्स इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही राज्यसभा के हेड के रूप में काम करेंगे. अब बात करते हैं लोकसभा, इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं और इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 545 मेंबर्स होते हैं और जो इसके हेड होते हैं वो होते हैं स्पीकर. अब आते हैं हम हमारी पहले वाली स्लाइड पे. अब इसमें देखो, लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स. जो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, वो 5 साल में एक बार होते हैं. लेकिन अगर कई बार जैसे कोई पार्टी गिर जाती है, मतलब पार्टी अपनी मेजोरिटी खो देती है, तो इन दैट केस वो बीच में भी इलेक्शंस हो सकते हैं. नाउ कंट्री इज डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो जो हमारी कंट्री है वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है. ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट. और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो एक पर्सन है, उसे वो इलेक्शन देके जिताते हैं और वो पार्लियामेंट में जाता है. ईच पर्सन बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. अब ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जीता है वो एक ही पार्टी से होगा,
हो सकता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जीता है वो बीजेपी का है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है वो कांग्रेस का है, और जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीता है वो आम आदमी पार्टी का है। तो इस तरह से वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्लियामेंट, अब जो पार्लियामेंट में जाते हैं ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं अभी थोड़ी देर पहले। लोकसभा, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है इसे, इसे लोअर हाउस भी कहते हैं। अब इसमें हमने देखा था उस पिक्चर में कि इसमें 545 मेंबर्स होते हैं, इसमें 543 तो लोग इलेक्शन के थ्रू जिताते हैं, उन्हें सिलेक्ट करते हैं, और जो 2 होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं हमारी कंट्री के, इन्हें वो नॉमिनेट करते हैं। एंग्लो इंडियंस कौन से होते हैं, जो जैसे कि हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, जो पूर्वज थे, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक सीट्स होती हैं, जैसे पुदुचेरी में और दमन दीव हो गई। अब इसमें जो 2 मेंबर्स हैं ये लोकसभा में डायरेक्टली प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है या फिर अपर हाउस। इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं 245 होते हैं इसमें, और जो 235 हो गए। अब ये तो जो लोग हैं ये मेंबर तो अलग सिलेक्ट होते हैं, इसका इस प्रोसीजर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे ये कैसे सिलेक्ट होते हैं। अब लेकिन जो 12 मेंबर्स हैं ये मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। ये जो 12 होते हैं ये एंग्लो इंडियंस नहीं होते हैं, ये अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अब हम देखते हैं रोल ऑफ द पार्लियामेंट टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन देख लिया हमने कैसे होता है, तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन बनाएगा। मेजोरिटी पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, मीन्स जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हुए हैं अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम एक लिस्ट बनाएंगे, देखेंगे कि किस पार्टी के जो MP हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और जो फिर मेजोरिटी पार्टी है, जो सबसे ज़्यादा है मेजोरिटी पार्टी, वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेजोरिटी पार्टी कैसे है लोकसभा में, तो यहाँ देखिए लोकसभा में टोटल सीट्स हमारे पास इतनी हैं, तो अब मेजोरिटी शो करने के लिए कितनी सीट्स चाहिए होंगी उन्हें, कम से कम 272 या फिर इससे ज़्यादा, तो फिर किसी भी कोई भी पार्टी एज अ मेजोरिटी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। अब इसके बाद जो बच जाते हैं वो सब किसका काम करते हैं, अपोजिशन पार्टी का। अब इसी में एक टर्म है कोलिशन गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट क्या होती है, कई बार किसी कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसे हो जाता है कि मिलीजुली सरकार आती है, तो मिलीजुली सरकार को हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें ये होता है कि अलग अलग पार्टीज़ मिल करके अपना बहुमत साबित कर देती हैं और फिर वो अपनी गवर्नमेंट बना लेती हैं। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। अब जो लोकसभा का इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये एग्जीक्यूटिव को चुनते हैं। तो पार्लियामेंट में आए MP, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, रूलिंग पार्टी बन गए वो, और द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, अब जो उनका लीडर होगा तो वो उसे एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर। अब ये प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं बाकी के एग्जीक्यूटिव्स को, मीन्स बाकी के मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करेंगे ये, जैसे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, ये पार्लियामेंट से इन्हें सिलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में राज्यसभा। अब हम राज्यसभा को देखेंगे, तो राज्यसभा में हमने देखा था टोटल सीट्स कितनी थी हमारे पास, 245। अब ये तो है 233 अलग, और जो 12 है ये राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है इन्हें, और ये जो 12 मेंबर्स होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है ये अपने फील्ड में स्पेशलाइज होते हैं, कोई लिटरेचर में होता है, कोई स्पोर्ट्स में होता है, कोई म्यूजिशियन होता है, इस तरह से। इट फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। जो राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं मेनली। इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस स्टेट्स। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे MLAs हमने डिस्कस किया था क्लास 7th में, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से
आते हैं वो अपने में से एक लीडर को चूज़ करते हैं कि ये लीडर राज्यसभा में जाएगा, तो वो वोटिंग देते हैं अपने आप में, ठीक है। तो फिर वही ये जो 233 मेंबर्स हैं ना हमारे, ये वैसे ही आते हैं, वो MLA चूज़ करते हैं अपने में से और डिसाइड करते हैं कि ये हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे वहाँ पे राज्यसभा में। अ बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास इन राज्यसभा टू बिकम ए लॉ। तो कोई भी बिल है उसे कानून बनने के लिए राज्यसभा में पारित किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो भी विधायक हैं वो डिस्कस करते हैं उसके पॉजिटिव चीज़ को, उसकी नेगेटिव चीज़ को, अगर उसमें कुछ अल्टरेशन चाहिए उसे भी। तो इसीलिए किसी भी बिल को कानून बनने से पहले राज्यसभा में पारित होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट रूल है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कैसे करती है, उसे गाइड कैसे करती है और कभी कभी उसे इन्फॉर्म कैसे करती है। तो इसमें जो फर्स्ट चीज़ है हमारी क्वेश्चन आर, तो प्रोविज़न दिया हुआ है, तो इस पार्लियामेंट में प्रोविज़न होता है क्वेश्चन आर। इसमें होता है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी से क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई आपने अपनी गवर्नमेंट में क्या किया और आप इस चीज़ को कैसे करोगे, इन कमियों को कैसे दूर करोगे। MPs कैन आस्क क्वेश्चन ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट काम कर रही है MPs उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इस पॉलिसी को, इस प्रोग्राम को कैसे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एंड वी कैन हाईलाइट द ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अगर किसी पॉलिसी या प्रोग्राम्स में काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो वो उसे सरकार को हाईलाइट करके बताते भी हैं कि ये कमियां रह गई हैं, आप इसे सुधार सकते हो। एंड अपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो ऐसे जो अपोजिशन पार्टी होती है वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करती है, उसे कंट्रोल भी करती है, उसे गाइड भी करती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि उन्हें कैसे अपने काम को अच्छे से करना है, और ऐसे ही जो अपोजिशन पार्टी है एक क्रिटिक्स का रोल प्ले करती है गवर्नमेंट में। इसी को कंटिन्यू करते हैं। इन द मैटर ऑफ रिगार्डिंग फाइनेंस, और कई बार फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं जो पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं, कि जैसे जब बजट आता है तो कौन सी चीज़ कहाँ हमने इतने पैसे वेस्ट किए, यहाँ इतनी अमाउंट जाएगी, तो इन सब को भी कंट्रोल करने के लिए जो वहाँ अपोजिशन रहती है तो उस बजट को वहाँ डिस्कस किया जाता है और उस बजट पे जो अपोजिशन पार्टी है वो क्वेश्चन राइज करते हैं। MPs आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्लियामेंट। MPs आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, पीपल की रिप्रेजेंटेटिव हैं। एंड प्ले अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट। क्योंकि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसीलिए वो गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट रोल है लॉ मेकिंग। जो पार्लियामेंट का दूसरा रोल है कि वो कानून बनाती हैं। हमारे देश में कोई भी चीज़ कैसे चलेगी उसके लिए कानून बनाना, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसमें अमेंडमेंट करना, तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पार्लियामेंट के काम होते हैं। अब है हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में कौन है जो लोग पार्लियामेंट में होते हैं। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द नेशन। जो पार्लियामेंट है वो हमारी नेशन को रिप्रेजेंट करती है। कैसे, क्योंकि जो इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो जो लेजिस्लेचर हैं वो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता ने चुने हैं उन्हें इलेक्शन के थ्रू, तो वो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्स, रूरल एरियाज एंड रीजनल पार्टीज। तो जो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग होते हैं कंट्री में, चाहे वो रूरल एरियाज से हो, किसी रीजनल पार्टी से हो, वो पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट में। देयर हैज़ बीन इंक्रीज। और अब हम नोटिस करते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम से लेकर आज के टाइम में जो पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है दलित और बैकवर्ड क्लासेस का, वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है और उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखी गई हैं। सिमिलरली देयर हैज़ बीन डिमांडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द वुमेन। और ऐसे ही जो वुमेन्स की सीट्स हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन की डिमांड रखी गई है। ड्यू टू द लो प्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन्स MPs इन पार्लियामेंट,
एंड टू मेक द पार्लियामेंट्रियली रिप्रेजेंटेटिव। और ये सब क्यों रखा गया है वुमेंस के लिए रिजर्वेशन, ये इसीलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ पे जो महिलाओं की संख्या है वो बहुत कम होती है और पार्लियामेंट एक अच्छे से एक सही रिप्रेजेंट करे देश को और इक्वल मिले, सभी को इक्वल राइट्स मिले, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है इक्वालिटी, उसको फुलफिल करने के लिए इस तरह से रिजर्वेशन भी किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमने आज के चैप्टर में डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल डिसाइड क्यों करते हैं। इसको हमने हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पर रूल कर रहे थे तो हमने किन किन आइडियाज़ को और किन किन पास्ट एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखा है। हमने सीखा फ्रीडम को, इक्वालिटी को एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें हमने देखा कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, वो अपने पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज से किसी एक व्यक्ति को इलेक्शन से जिता करके उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के पार्लियामेंट में सेंड करते हैं। रोल ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें हमने डिस्कस किया जो हमारी पार्लियामेंट है वो कैसे काम करती है, उसमें कितने हाउसेज होते हैं। तो इसमें कितने हाउस होते हैं, इसमें हमने टू हाउस को डिस्कस किए हैं, फर्स्ट इज राज्यसभा एंड देन लोकसभा टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, और दूसरा रोल क्या डिस्कस किया हमने, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी भी होती है, रूलिंग पार्टी भी होती है, तो वो जो क्वेश्चन आर होता है उसके दौरान वो इस तरह से रूलिंग पार्टी पे, उसकी वर्किंग गवर्नमेंट पे इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि ताकि गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाए, गाइड किया जाए और उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। और जो पार्लियामेंट का मेन टास्क होता है कि वो हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं, संविधान बनाते हैं। हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, तो कौन लोग हैं जो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो पीपल है वो सुप्रीम होते हैं डेमोक्रेसी में, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वही लोग होते हैं पार्लियामेंट में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 3 सिविक्स में। आई होप आपको समझ आया होगा, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।